दोस्तों गोल्ड मतलब कि सोने को शुरू से ही काफी सुरक्षित निवेश का एक जरिया माना गया है पुराने समय में जो है राजा महाराजा लोग सोने को जमीन में गाड़ कर रखते थे क्योंकि उनको पता होता था कि आने वाले समय में सोने की जो चमक है ये कभी भी फीके नहीं पड़ेगी दोस्तों अभी भी भारत सरकार जितने भी इकोनॉमी को बूस्ट करती है उसके लिए गोल्ड रिजर्व जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड में निवेश करके एक अच्छा रिटर्न पाना क्योंकि इसमें जो है रिटर्न की हमेशा से ही गारंटी होती है सोने का जो चमक है कभी फीका नहीं होता है और सोने के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसका रेट हमेशा आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलता है इसका रेट कभी भी डाउन नहीं होता है ऐसे में दोस्तों यहां पे गोल्ड बॉन्ड पर रिटर्न जो है आपको काफी बेहतरीन तरीके से यहां पे आप मिल सकता है इसका आप फायदा उठा सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड बॉन्ड जिसको आप इंग्लिश में श्रविनर बॉन्ड भी बोलते हैं ठीक है और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का क्या फायदा है सबसे ज्यादा क्या फायदेमंद इसमें होता है तो जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं दोस्तों सालाना आपको दो प्रतिशत पांच परसेंट का आपको ब्याज मिलेगा छमाही आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है यहाँ पे जीएसटी के दायरे में नहीं आता है ठीक है फिजिकल गोल्ड पर यहां पे तीन परसेंट का आपको जीएसटी लगता है लेकिन यहां पे अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो चूंकि ये फिजिकल नहीं होता है तो ये जीएसटी दायरे में नहीं होता है गोल्ड बॉन्ड में ट्रांसफर का भी विकल्प होता है अगर आप चाहें तो अपने स्पाउस या फिर अपने सिबलिंग्स को जो है गोल्ड बॉन्ड का आप जो है ट्रांसफर भी कर सकते हैं बॉन्ड के बदले लोन लेने की भी सुविधा है तो मतलब ये एक सोने पे सुहागा आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है जहां पे आप अपने गोल्ड बॉन्ड के ऊपर जो है लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं मेच्योरिटी के बाद इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है ये सारा जो है ट्रांजेक्शन जो होता है वो टैक्स फ्री होता है तो इसको लेकर आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है कि जब आपका गोल्ड बॉन्ड जो है जब मेचोर होगा तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे करने पड़ेंगे ठीक है बॉन्ड में आठ साल का लॉक इन पीरियड है हालांकि इस बात का ध्यान रखना है है कि साल से पहले जो है, आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पे पे जो है है साल का लॉक इन पीरियड रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे पांच साल के बाद निकलने का एक विकल्प हो सकता है जहां पे आप पांच साल के बाद आप अपने सेविंग्स को जो है वहां से निकाल सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का तरीका क्या है आखिर किस तरीके से जो है आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां पे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं पोस्ट ऑफिस से भी आप यहां पे परचेज कर सकते हैं एज वेल एज विद बैंक स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के जरिए भी यहां पे पॉसिबल है गोल्ड बॉन्ड को खरीदना बी एस -सी, सी के प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ पे आप इसको परचेज कर सकते हैं और बात कर लेते हैं कि इस पर आपको रिटर्न कितने आ, कितना मिलने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो दोस्तों यहां पे जो है आपको आठ साल में मिलेगा बीच ठीक है तो आपको ट्वेंटी परसेंट का जो है आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा आठ साल के अंदर और निवेश की जी, जो रकम कैलकुलेट होगा आ, निकासी पर जो सोने का जो करेंट रेट रहेगा आप ध्यान दीजिएगा जिस वक्त आप निकासी करेंगे उस वक्त मार्केट में जो गोल्ड का आ, जो मार्केट रेट होगा उस भाव के हिसाब से आपका जो आ, ब्याज है जो इंटरेस्ट है उसका भुगतान होता है ब्याज के अलावा जो है यहाँ पे सोने में जो तेजी होता है उसका भी आपको यहाँ पे फायदा मिल जाता है ठीक है तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है आज इतने भी सारे लोग जो टैक्स सेव्स करना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फ्यूचर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक टैक्स फ्री इनकम जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए जो है गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना काफी फायदेमंद एक जरिया हो सकता है सो so, दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने गोल्ड बॉन्ड को का गणित जो है उसको काफी अच्छे से सीखा होगा समझा होगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस से पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सके अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जय हिंद